यहाँ की नेता, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट जनरल, देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोज सिन्हा जी, लोकसभा सदस्य जुगल किशोर जी, गृह सचिव अजय भल्ला जी और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, आज हम सभी के लिए एक गौरव का दिन है, सौभाग्य के दिन है। जम्मू कश्मीर के अंदर अनेक कल्याणकारी योजनाएं, विशेष करके रोजगार के बारे में, महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में, नौजवानों को आगे बढ़ने के बारे में अनेक कार्यक्रम शुरू किया गया आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कर कमल पे। मैं जम्मू कश्मीर की ओर से, देश की जनता की ओर से गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपकी इस गरिमामय उपस्थिति हम सभी को आज उत्साहित करेगा। मित्रों, मैं आज यहां आपके सामने उपस्थित हूं। 2014 की बजट के भाषण में देश की प्रधानमंत्री जी ने जम्मू में IIT की स्थापना के निर्देश दिया था। आज सौभाग्य है, शुभ दिन है, जम्मू कश्मीर शासन ने 400 एकड़ जमीन दिया, 1100 करोड़ रुपया खर्चा करके एक अत्याधुनिक 21वीं सदी की नई शिक्षा मंदिर आज श्री अमित शाह जी की कर कमल पे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, देश के नौजवानों के लिए आज लोकार्पित किया गया। मित्रों, मैं आज के दिन में एक ही विषय कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू में एम्स आई है, जम्मू में IIM आई है। आज दूसरे खुशी की घटना है, तीनों संस्था मिलके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीनों संस्था मिलके कई अनेक कोर्स ऐसे देश के अंदर ला रहे हैं। देश में टनल कैसे बनेगा, टनल इंजीनियरिंग की कोर्स देश में कहीं नहीं है, IIT जम्मू में होगा। देश के नौजवान, हिमालय के नौजवान पढ़ने यहाँ आएगा। ऊंचाई में जिंदगी कैसे होती है, हाई एल्टीट्यूड इकोनॉमी कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ाई IIM और IIT दोनों मिलकर करने वाले हैं। विश्व कोरोना में ग्रसित है, कोरोना के उपरांत नई व्यवस्था क्या होनी चाहिए, नए कोर्स क्या होनी चाहिए, एम्स, IIT और IIM तीनों मिलके मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टीवर्सिटी इस प्रकार की कल्पना में और आने वाले दिनों में जम्मू, सही कहा मनोज सिन्हा जी ने, जम्मू विद्या नगरी बनेगा। ये माता की नगरी, श्रद्धा की नगरी, 21वीं सदी में विद्या की नगरी बनेगा, आज इसी की शुभ क्षण है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आज जब IIT कैंपस की लोकार्पण हो रहा था, गृह मंत्री की नजर, गृह मंत्री जी की संवेदनशीलता झलक रही थी। उन्होंने IIT के डायरेक्टर, IIM के डायरेक्टर, एम्स की डायरेक्टर तीनों को कहा, ये तीनों संस्था जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या कर रहा है, इसकी योजना मेरे को समझाओ। आप नए सेंटर खोलो, तालीम दो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सैटेलाइट सेंटर खुलवाओ, जिला केंद्र में खुलवाओ, कैसे जम्मू कश्मीर के नौजवान IIT तक पहुंचे, एम्स तक पहुंचे, IIM तक पहुंचे। यही मोदी जी की परिकल्पना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। 21वीं सदी में देश के सिरमौर जम्मू कश्मीर को और ऊंचाई तक ले जाना है। आज आप सभी ने इस ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह का आपने साक्षी रहा। मैं शिक्षा विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।